है, दप, देख। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो भाई, सुबह के बजे 9, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और उसकी वजह बताता नहीं, दिखा देता हूँ। ये देखिए, हर तरफ पानी पानी भरा हुआ है, सुबह से ही हो रही है बारिश, लगभग 4 बजे से रुक रुक के लगातार बारिश होती रही। आज आने का इरादा नहीं था, लेकिन भाई घर में मेरे में शैतान, तो घर में इतने बड़े बड़े शैतान हैं मेरे घर में, आप लोगों ने देखा ही है। मंकू अंजलि, मेरा आने का कोई भी इरादा नहीं था। गीता से मैंने बोल दिया था छुट्टी कर लेता हूँ, मैं नहीं जा रहा, बारिश हो रही है, कोई सवारी की खास निकलेगी नहीं, सैटरडे तो क्या, लेकिन मौसम के हिसाब से सवारियाँ निकलती हैं, मौसम ख़राब है तो बहुत कम काम निकलेगा। रुका हुआ था, चाय पी थी मैंने, तभी मंकू अंजलि और मयंक में भाई फाइटिंग शुरू हो गई। उसके बाद तो मेरा जी घबराने लगा, घर में भाई ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो 10 मिनट के लिए मेरे घर आइए और देखिए, मुझे यकीन है आपकी राय बदल जाएगी। मेरे जो बच्चे हैं भाई साहब शैतान के बाप हैं, तो सुबह सुबह से इनमें मार पिटाई शुरू हो गई। तो मैं निकल आया भाई घर से स्टेशन के लिए, अभी अभी आके खड़ा हुआ हूँ, 9 बजे हैं। काम की कोई खास ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बस जान बचाने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि घर में रहता तो मैं मानसिक संतुलन खो बैठता अपना, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। पहले तो अंजू मयंक हैं, उसके बाद 2 और हैं, कब्बू और टिल्लू, उनमें भी लगातार उधम होता ही रहता है, तो लड़ाई हो जाती है, रोआ पीटी भाई, मेरा सर फटने लगता है। तो मैं भाग के आ गया हूँ स्टेशन, अब देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कम से कम जान तो बची हुई है, शांति तो है, मेरे को शांति चाहिए भाई, घर में शांति मिल नहीं पाती, तो मैं स्टेशन पर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का दिन, आज का वीडियो पूरा देखिएगा, अगर वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो शुरू करते हैं आज का दिन भाई, अभी अभी आया हूँ, कुछ काम देखने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आई है, सवारी निकलने शुरू हो रही है, और भाई अब कैप जैकेट आज मैं बदलने की सोच रहा था, थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको जैकेट को बदल देता हूँ, कपड़े बदल देता हूँ, लेकिन मौसम हो गया ख़राब, हर तरफ पानी पानी, तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा अगर कल बादल खुल जाएगा, दोपहर बाद खुल जाएगा, तो दोपहर को बदलूँगा, अभी तो इन्हीं को पहन के आया हूँ। यह स्टेशन का हाल भाई, और ये देख लो चारों तरफ पानी, अभी अभी बारिश रुकी है तो मैं आ गया हूँ, घर में हो रहा था हंगामा, उसका भी थोड़ा सा वीडियो डालूंगा आपको। आज तो भाई ऊपर वाला ऐसे मजाक कर रहा, सुबह सुबह से बारिश हो रही है, सुबह 4 बजे से, और अभी ये देखो ऐसे धूप निकल आती है थोड़ी सी, 2 मिनट के लिए धूप निकलती है, सूर्यनारायण मुँह चमकाते हैं बादलों में से, फिर दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। तो आज मजाक बना रखा है यार, ये हमारे साथी खड़े हैं सब लोग, चौआ सचिन बना रखा है ये, क्या हरिद्वार बना रखा है ये, हरिद्वार बना रखा है जगह। ऐसे ही मजाक चल रहा है सुबह से, 2 मिनट के लिए सूर्यनारायण चमकते हैं, उम्मीद सी बनती है कि हाँ धूप निकली, धूप निकली, मजा आया, और तुरंत भाई बादल हो जाते हैं। अब देखो फिर से छांव होने लगी है, बादल हो जाते हैं और बूंद भी बढ़ जाती है, टप 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 टप, मोटी मोटी बूंदे आती है, फिर दोबारा ऐसे ही होता है। तो भाई दोपहर के 2 बजे हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया भाई काम करने में, आज घर गया नहीं हूँ, और सॉरी यार झूठ बोल रहा हूँ, घर गया था, खाना पीना खा के जैसे ही फ्री हुआ, तुरंत एक आर्मी वालों का कॉल आ गया, तो उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया था। अब दोपहर के 2 बजे हैं, दोपहर में स्टेशन का माहौल कुछ ऐसा रहता हमारे का, आज आराम के टाइम पर फ़ोन आ गया था, और भाई काम नहीं है आज सुबह से ही, इसलिए आना पड़ा मेरे को, क्योंकि सुबह से हो रही थी बारिश, तो लेट आया था, लेट की वजह से काम भी नहीं किया था कुछ, तो 100 रुपये का काम मिल रहा था। ये गोपाल है, गोपाल नहीं, क्या नाम है, गोविंद लाल है, ये मेरी गाड़ी है, एक वॉशिंग मशीन नीचे, 2 ऊपर, 3 वॉशिंग मशीन लेके जा रहा हूँ। अभी दोपहर के 4 बजे हैं, दोपहर को 2:30 बजे के करीब मैं घर गया था थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि पहले तो एक आर्मी वाले को छोड़ने के लिए जाना पड़ा था मेरे को, घर पे खाना पीना खाते ही फ्री हुआ था, तभी कॉल आ गई थी उनकी, फिर दोबारा से घर गया भाई, और घर पे जाके लेट आई था, फिर दोबारा इन हॉलमार्क वालों के कहाँ फ़ोन आ गया, हॉलमार्क वाले भाई साहब का, कि 2-3 वॉशिंग मशीन जानी है, अब इनको लोड करके खड़ा हुआ हूँ, थोड़ी सी कागजी कार्रवाई है, वो लोग करवा लें तो फिर निकलूँ यहाँ से। तो भाई ऐसी लाइफ है मेरी, और ऐसी लाइफ में ब्लस, इतनी बिजी लाइफ में ऐसे भी ब्लॉगिंग करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने भाई को भाई। तो भाई आज सुबह सुबह बारिश हो रही थी, तो मुझे अंदाजा लग रहा था कि आज कोई काम नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आज का दिल कुछ अलग ही रहा। पहली बात तो ये रही कि बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिला, सुबह जब आया था उसके बाद मैं घर गया, खाना पीना खा के रेडी था, केवल लेटने के लिए तैयारी हो रही थी कि लेट जाऊँ, तभी एक आर्मी वाले भाई साहब का फोन ऑरल लाइन से लेके स्टेशन छोड़ने के लिए आना पड़ा, और उसके बाद भैया फिर दोबारा से घर गया, लगभग 3 बजे के करीब मैं घर पहुंचा था, और बिस्तर में लेटा ही हुआ था, गीता ने चाय बना के दी, चाय खत्म करके मैं गत रजाई खींच ही रहा था, तभी कॉल आ गई हॉलमार्क वालों की, जो हमारे हॉलमार्क वाले भाई साहब हैं,
3 वॉशिंग मशीन के लिए उसे लक्ष्मी नगर छोड़ के अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। मैं अंदाजा लगा रहा था कि आज कुछ नहीं हो पाएगा, उसका बिल्कुल पूरा ठीक ठाक काम हो गया है। अब मुझे आज कोई टेंशन नहीं है। शाम के टाइम वैसे भी गाड़ी में बैटरी भी नहीं है, बैटरी भी खत्म हो चुकी है। दोपहर में जब चार्ज कर लेता था मैं और दिन जाता था, तो आज चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। आराम मैंने खुद को भी चार्ज नहीं कर पाया और गाड़ी को भी। जो भी मिलेगा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अपना कोटा पूरा है, घर निकल जाएंगे जब भी इच्छा होगी। जब फिलहाल अभी तो जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि घर पे तो वही शैतान पड़े हुए हैं, उनकी छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो क्या सुबह क्या हाल था इन लोगों का, ये देखिए आप, ये देखिए ये हाल है इनका। आज मौसम खराब था, मैं सोच रहा था आज नहीं जाता हूँ, लेकिन इन लोगों ने भाई साहब 2 घंटे में मेरे को इतना जगा दिया कि अब डर के मारे जाना पड़ रहा है मेरे को। ये 2 ये टेंशन है मेरे लिए और 2 ये रही है। देखो ये सुबह 5 बजे की आ जाती है, पापा निकल नहीं रहे, पापा चल नहीं रहे, ये तो है ये शैतान के बाप। देख कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कैसे बच्चे, भगवान मेरे ऊपर वाले जान बचा मेरी। तो भाई ये हाल था, बताइए इस सब को देखने के बाद कोई मेरे घर में रुक सकता है? और आप कह सकते हो कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भाई साहब शैतान का भी होते, मेरे बच्चे सेम यही। और कुछ लोगों के लिए जो सोचते हैं ना, ई रिक्शे वाले, ट्री वाले या टेम्पू वाले या मैं, कि मैं खुद छुट्टी क्यों नहीं करता हूँ, घर पे क्यों नहीं रहता, एक भी दिन छुट्टी नहीं करता, रोजाना काम पे निकल आता हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, तो इसी वजह से नहीं आता हूँ भाई, केवल इन बच्चों की वजह से घर नहीं रुकता हूँ, इसलिए मैं भागा आता हूँ कि कम से कम काम मिले ना मिले शांति तो मिल जाती है। दुनिया में हर लोग शांति ढूंढने के लिए घर पे जाते हैं कि थोड़ा सा आराम करेंगे, लेकिन मेरे को घर पे आराम नहीं मिल पाता है भाई, बच्चे बिल्कुल भी आराम करने ही नहीं देते हैं। भाई शाम के 6:30 बजे हुए हैं, 6:38 हो रही है, गाड़ी में बैटरी नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि गाड़ी में बैटरी नहीं है, फिर भी यहाँ खड़ा हुआ था तो एक सिंगल सवारी आ गई थी नए बस स्टैंड की, उसे छोड़ के अभी अभी आया हूँ। काम तो अब देखना नहीं है मेरे को भाई, बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, केवल इतनी बैटरी है कि मैं घर जा सकता हूँ, अगर कहीं और गया तो लटक जाऊँगा, घर भी नहीं जा पाऊँगा, तो काम तो देख नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर दोस्तों के साथ टाइम पास करूँगा, क्योंकि अभी से घर पहुँच गया तो वही है कहानी सेम है भाई, घर पे जाके वही कलेश, बच्चों के लड़ाई झगड़े, और आज यहाँ एक कांड और हो गया भाई घर में। मंकू को मैंने बताया 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कि, या कल वाले ब्लॉग में हो रही थी, पक्का मुझे कोई पक्का मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हो रही थी कि मंकू ने अपनी साइकिल का पीछे वाला टायर फाड़ दिया है। तो आज मंकू अपनी मम्मी से जिद करके 200 रुपये टायर के लिए लेके आया था मार्केट, अपनी जो साइकिल है उसके टायर के लिए, और भाई बाजार में वो 200 रुपये खो के चला गया है। बच्चे भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं यार मेरे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी भाई। ऊपर से हवा चल रही है, थोड़ी देर और रुकता यार, जा 7 बजे तक रुकने की सोच रहा था कि 7 बजे तक रुक जाता हूँ, लेकिन हवा परेशान कर रही है, तो थोड़ा सा बातें करेंगे अपने दोस्तों से, राजी खुशी लेंगे और राधे राधे बोल के सीधा घर। भाई शाम के बजे हैं 9:30 और टाइम है भाई इस ब्लॉग का एंड करने का। तो भाई आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ यार करना, बहुत दिन से लगा हुआ मेहनत करने में, तो अब तो भाई कुछ मीठा फल, वो कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, भाई 6 महीने से सबर का पेड़ उगा रहा हूँ, अभी तक फल खाने को नहीं मिल रहे, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।